वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के प्रेसिडेंट श्री बोर्गे ब्रांडे, उद्योग जगत के सम्मानित सदस्य, देश विदेश से आए अन्य अतिथिगण और मेरे साथियों, आप सभी का इस विशेष कार्यक्रम में आने के लिए मैं अभिवादन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। मेरे लिए ये बहुत ही सुखद है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने मुझे भारत के पहले और विश्व के चौथे सेंटर ऑफ द फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के शुभारंभ पर याद किया। साथियों, इंडस्ट्रीज फॉर 4.0 सुनने में पहली बार लगता है कि हम इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, लेकिन इसके जो कंपोनेंट है, जो इसकी ताकत है, वो मानव जीवन के वर्तमान और भविष्य को बदलने की क्षमता रखती है। आज के वैश्विक परिदृश्य में जिस तरह डिसरप्टिव इंटरकनेक्टेड टेक्नोलॉजीज का उदय हो रहा है, वह अभूतपूर्व है। अलग अलग टेक्नोलॉजी के बीच ये सामंजस्य, समन्वय फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन या चौथी औद्योगिक क्रांति का आधार बन रहा है। इन टेक्नोलॉजीज के अलग अलग आयाम पूरी दुनिया में, हर स्तर पर, हर समाज में, लोगों के रहने का तरीका, कार्य करने का तरीका, संवाद का तरीका लगातार बदल रहा है। ऐसी परिस्थितियों में सैन फ्रांसिस्को, टोक्यो और बीजिंग के बाद अब भारत में इस महत्वपूर्ण सेंटर का खुलना भविष्य की असीम संभावनाओं के द्वार खोलता है। मैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को इस पहल के लिए बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ। फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को कैसे विस्तार मिल रहा है, कैसे ये दुनिया भर में अपना प्रभाव दिखा रहा है, ये आप भली भांति जानते हैं। आप इसके एक्सपर्ट्स हैं, इनकी बारीकियों को समझते हैं। इसकी महत्ता से आगे बढ़कर आज हम सभी के लिए समझना बहुत आवश्यक है कि ये रिवॉल्यूशन भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है और क्यों भारत में आज पूरा सामर्थ्य है इस रिवॉल्यूशन का पूरा लाभ उठाने का, इससे जुड़ी तमाम तकनीकों को पूरी क्षमता के साथ लागू करने का। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन, बिग डेटा और ऐसी तमाम नई तकनीकें में भारत के विकास को नई ऊंचाई पर ले जाने, रोजगार के लाखों नए अवसर बनाने और देश के प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को बेहतर बनाने की क्षमता है। भारत की युवा ऊर्जा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उसका दशकों का अनुभव, स्टार्टअप्स का वाइब्रेंट इकोसिस्टम इस क्षमता को और बढ़ाता है। आज जब भारत न्यू इंडिया के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है, अपने सामर्थ्य और संसाधनों को मजबूत कर रहा है, तो उसे फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का साथ मिलना सोने पर सुहागे की तरह हो गया है। भारत इसे सिर्फ इंडस्ट्री में परिवर्तन के तौर पर नहीं, बल्कि इसे सामाजिक परिवर्तन के आधार के तौर पर भी देख रहा है। इंडस्ट्री एक प्लेटफॉर्म है, प्रोडक्शन एक प्रोसेस है और टेक्नोलॉजी एक टूल है, लेकिन इसका अंतिम लक्ष्य समाज की आखिरी पंक्ति में बैठे व्यक्ति के जीवन को आसान बनाना है, उसमें बदलाव लाना है। साथियों, मैं इंडस्ट्री 4.0 में वो ताकत देख रहा हूँ जो सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था से जुड़ी अनेक कमजोरियों को हमेशा हमारे के लिए खत्म कर सकती है।
भारत में एक इरिवर्सिबल पॉजिटिव चेंज लाएगी। मेरा दृढ़ विश्वास है कि इंडस्ट्री 4.0 का इस्तेमाल करके भारत की गरीबी को समाप्त करने में बहुत अहम भूमिका निभाई जा सकती है। देश के गरीब वंचित वर्ग को, समाज के उपेक्षित वर्ग के जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। भारत जैसे विशाल और विविधता से भरे देश में जिस स्पीड और स्केल से काम करने की जरूरत है, उसमें ये रिवॉल्यूशन हमारी बहुत मदद कर सकता है। साथियों, बिना नींव के कोई भी इमारत खड़ी नहीं हो सकती। इंडस्ट्री 4.0 की सफलता भी इसी पर टिकी है कि किस देश में इसके लिए आवश्यक नींव तैयार है, सबसे मजबूत है। आज मुझे गर्व है कि पिछले 4.5 साल में हमारी सरकार ने चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए भारत को तैयार करने में कई महत्वपूर्ण इनिशिएटिव लिए हैं और सफलता हासिल की है। मेरे इस आत्मविश्वास के पीछे, इस उत्साह के पीछे जो वजह है, उसे भी मैं आपके सामने विस्तार से रखना चाहता हूं। फ्रेंड्स, इंडस्ट्री और 4.0 में सिर्फ एक शब्द निकाल दिया जाए तो उसके कोई मायने नहीं रह जाएंगे। ये शब्द है डिजिटल। लेकिन यही शब्द आज बदलते हुए भारत की बड़ी पहचान है। डिजिटल इंडिया अभियान ने डेटा को भारत के गांव-गांव तक पहुंचा दिया है। पिछले 4-4.5 वर्षों में देश के टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए सरकार ने पहले के मुकाबले 6 गुना ज्यादा निवेश किया है। साथियों, 2014 में भारत के 61 करोड़ लोगों के पास डिजिटल आइडेंटिटी थी। आज भारत के 120 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास आधार कार्ड है, अपनी डिजिटल पहचान है। 2014 में भारत में 8 लाख से कम मोबाइल बेस्ड ट्रांसीवर स्टेशन थे, आज इनकी संख्या 18 लाख से ज्यादा हो चुकी है। 2014 में भारत में ओवरऑल टेली डेंसिटी 75% थी, आज ये बढ़कर के 93% हो गई है। 2014 में भारत में मोबाइल इंटरनेट सब्सक्रिप्शन की संख्या 23 करोड़ थी, आज ये बढ़कर 2 गुने से ज़्यादा यानी करीब 50 करोड़ हो चुकी है। भारत में पिछले 4 साल में इंटरनेट कवरेज 75% से भी ज़्यादा बढ़ी है। इन वर्षों में भारत सरकार के 3 लाख किलोमीटर से ज़्यादा ऑप्टिकल फाइबर बिछाया है। इसी का परिणाम है कि जहां 2014 से पहले सिर्फ देश की 59 पंचायतें ही ऑप्टिकल फाइबर से जुड़ी थी, आज 1 लाख से भी ज़्यादा पंचायतों तक ऑप्टिकल फाइबर पहुंच चुका है। बहुत जल्द हम देश की सभी 2.5 लाख पंचायतों को इस फाइबर से जोड़ने के लक्ष्य को प्राप्त करने जा रहे हैं। साथियों, 2014 में देश में सिर्फ 83,000 कॉमन सर्विस सेंटर थे, आज भारत में 3 लाख से ज़्यादा कॉमन सर्विस सेंटर काम कर रहे हैं। देश के ग्रामीण इलाकों में, दूर दराज वाले इलाकों में सरकार 32,000 से ज़्यादा वाईफाई हॉटस्पॉट्स मुहैया कराने पर काम कर रही है।
डिजिटल इंडिया अभियान ने पिछले 4 वर्षों में भारतीयों के जीवन जीने का तरीका बदल दिया है। साथियों, ये सब इंडस्ट्री 4.0 ही है कि 2014 में एक भारतीय नागरिक जितने मोबाइल डेटा का इस्तेमाल करता था, आज उससे 30 गुना से भी ज्यादा मोबाइल डेटा इस्तेमाल कर रहा है। ये भी दिलचस्प है कि आज यहां पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मोबाइल डेटा कंजम्पशन भारत में हो रहा है, वहीं पूरी दुनिया में सबसे सस्ता डेटा भी भारत में ही उपलब्ध है। इसकी वजह है कि 2014 के बाद से भारत में मोबाइल डेटा की कीमत में 90% से ज्यादा भी कमी आई है। साथियों, ऐसी ग्रोथ स्टोरी आपको दुनिया के किसी देश में सुनने को नहीं मिलेगी। भारत की यह सक्सेस स्टोरी अप्रत्याशित है। आज भारत दुनिया के सबसे विशाल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर वाले देशों में से एक है। आधार, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी UPI, ई साइन, ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट यानी ई नैम, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी जैम, डिजी लॉकर जैसे यूनिक इंटरफेसेस भारत को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से टेक्नोलॉजी लीडर बनने में मदद कर रहे हैं। इनकी वजह से ज्यादा लोग तेजी के साथ डिजिटल टेक्नोलॉजी से जुड़ रहे हैं। भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ने देश के स्टार्टअप्स को भी इन प्लेटफॉर्म पर इनोवेट करने का मौका दिया है। ये इनोवेशंस देश के एमएसएमई सेक्टर को मजबूत करने का भी काम कर रहे हैं। साथियों, भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर रिसर्च से जुड़ा रोबर्ट्स इकोसिस्टम तैयार करने के लिए नेशनल स्ट्रेटजी कुछ महीने पहले ही बनाई जा चुकी है। सबका साथ सबका विकास के विजन पर चलते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर ऑल का नाम दिया गया है। कैसे रिसर्च इकोसिस्टम बनाया जाएगा, एडॉप्शन को प्रमोट किया जाएगा, स्किलिंग चैलेंजेस को निपटा जाएगा, इन सभी महत्वपूर्ण विषयों पर इसमें विस्तार से चर्चा की गई है। विशेष ध्यान उन सेक्टरों पर दिया गया है जो भारतीय जनमानस से भी जुड़ते हैं, जैसे कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा। इन क्षेत्रों में सरकार द्वारा अनेक पायलट प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया जा चुका है। इसी कड़ी में पिछले दिनों मोबिलिटी पर एक बड़ी कॉन्फ्रेंस भी यहीं पर हमने आयोजित की। साथियों, मुंबई में WEF का ये नया सेंटर इस कड़ी को और मजबूत करने का काम करेगा। ये सेंटर सबका साथ सबका विकास की दिशा में किए जा रहे प्रयासों के लिए प्रेरक और पूरक की तरह काम करेगा। ये सेंटर नई नई उभरती टेक्नोलॉजी के इर्द गिर्द सरकार की नीतियों को डिजाइन करने में मदद करेगा। ये सेंटर भारत के पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, विभिन्न राज्य सरकारों के काम में नई चेतना जगाने, इंडस्ट्री 4.0 के नए आयामों को आगे ले जाने में बहुत बड़ी मात्रा में मदद करेगा। मुझे बताया गया है कि महाराष्ट्र सरकार के साथ इस सेंटर ने ड्रोन्स और इंटरनेट ऑफ थिंग्स के माध्यम से गवर्नमेंट सर्विसेज को सुधारने के लिए एक प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया है, और इसके लिए मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को जरूर बधाई देता हूं। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में हर राज्य में
ऐसी अनेक परियोजनाएं शुरू होगी। साथियों, भारत में इंडस्ट्री 4.0 की मजबूती से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विस्तार से, जहां एक तरफ देश के लोगों को स्वास्थ्य से जुड़ी बेहतर सुविधाएं मिलेगी, वहीं इलाज पर होने वाला उनका खर्च भी कम होगा। कृषि क्षेत्र में इसका विस्तार होने से एक तरफ किसानों की उपज बढ़ेगी, अनाज की बर्बादी रुकेगी, तो दूसरी तरफ उनकी आय में भी वृद्धि होगी। ये तकनीक भारत के किसानों को मौसम, फसल और बीज बोने के चक्र के संबंध में सही फैसला लेने में मदद कर सकती है। ये स्मार्ट सिटी और भारत में 21वीं सदी के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के साथ ही देश के गांव गांव तक कनेक्टिविटी बढ़ाने में मदद कर सकती है। स्मार्ट मोबिलिटी से लेकर ट्रांसपोर्टेशन तक और शहरों में जाम की समस्या से छुटकारा दिलाने में भी नई तकनीकों से भारत को सहायता मिलने वाली है। हमारा देश भाषाई विविधता से संपन्न है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से अलग अलग बोलियों और भाषाओं में विचारों का आदान प्रदान और आसान हो सकता है। ऐसे ही भारत के मेरे दिव्यांग भाई बहनों के सामर्थ्य को और मजबूत करने में, उनके जीवन में आने वाली परेशानियों को कम करने में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बहुत बड़ी भूमिका है, उसके अनेक उपयोग हैं। साथियों, इन सभी प्रमुख विषयों में अलग अलग स्तर पर भारत में काम शुरू हो चुका है। इन कार्यों में सॉल्व फॉर इंडिया, सॉल्व फॉर द वर्ल्ड का लक्ष्य भी समाहित है। हम लोकल सॉल्यूशन से ग्लोबल एप्लीकेशन की तरफ भी बढ़ रहे हैं। इसमें एक और टेक्नोलॉजी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, ये है ब्लॉकचेन। ये टेक्नोलॉजी मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के सरकार के विजन के साथ जुड़ती है, उसे आगे बढ़ाती है। इसकी मदद से सेल्फ गवर्नेंस और सेल्फ सर्टिफिकेशन को और विस्तार दिया जा रहा है और भविष्य की संभावनाओं को तलाशा जा रहा है। तमाम सरकारी प्रक्रियाओं, उलझनों, अड़चनों को इसकी मदद से दूर किया जा सकता है। इन प्रक्रियाओं में सुधार से पारदर्शिता बढ़ेगी, भ्रष्टाचार कम होगा, अपराध कम होंगे और इन सबका सीधा प्रभाव भारत के नागरिकों की ईज ऑफ लिविंग पर पड़ेगा। साथियों, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का विस्तार भारत को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग्स में बहुत ऊपर लाने की भी क्षमता रखता है। सरकार की तमाम सेवाएं, प्राकृतिक संसाधनों का मैनेजमेंट, संपत्ति का रजिस्ट्रेशन, कॉन्ट्रैक्ट, पावर कनेक्शन, कितने ही कार्यों को इसकी मदद से और तेजी लाई जा सकती है। यही समझते हुए भारत में ब्लॉकचेन पर भी नेशनल स्ट्रेटजी बनाने के लिए तेजी से काम हो रहा है। इसमें उसे मुंबई में WEF के इस नए सेंटर से भी मदद मिलेगी। मैं आपको ये भी जानकारी देना चाहता हूं कि भारत बहुत ही जल्दी अपनी ड्रोन्स पॉलिसी का भी ऐलान करने वाला है। साथियों, जब पहली औद्योगिक क्रांति हुई तो भारत गुलाम था, जब दूसरी औद्योगिक क्रांति हुई तब भी भारत गुलाम था, जब तीसरी औद्योगिक क्रांति हुई तो भारत स्वतंत्रता के बाद मिली चुनौतियों से ही निपटने में संघर्ष कर रहा था। लेकिन अब 21वीं सदी का भारत बदल चुका है। मैं आज पूरे विश्वास से अपने देश के 130 करोड़ लोगों के सामर्थ्य से कह रहा हूं कि भारत चौथी औद्योगिक क्रांति के लाभ से वंचित नहीं रहेगा, बल्कि मैं मानता हूं कि चौथी औद्योगिक क्रांति में भारत का योगदान पूरे विश्व को चौंकाने वाला होगा। अभूतपूर्व, अप्रत्याशित, अकल्पनीय योगदान भारत का होगा। हमारी विविधता, हमारी डेमोग्राफिक पोटेंशियल,
फास्ट ग्रोइंग मार्केट साइज और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भारत को रिसर्च और इम्प्लीमेंटेशन का ग्लोबल हब बनाने की क्षमता रखता है। भारत में होने वाले इनोवेशंस का लाभ पूरी दुनिया को मिलेगा, पूरी मानवता को मिलेगा। साथियों, आज इस मंच पर मैं एक और महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात रखना चाहता हूँ। कुछ लोग चिंता करते हैं कि टेक्नोलॉजी के का ये उत्थान रोजगार कम कर देगा क्या, लेकिन सच्चाई ये है कि मानव जीवन की जिन जिन वास्तविकताओं को हमने आज तक छुआ तक नहीं है, उसके द्वार अब इंडस्ट्री 4.0 द्वारा खुलने वाले हैं। ये नेचर ऑफ जॉब को काफी हद तक बदलेगा, नए अवसर पैदा करेगा। इस वास्तविकता को समझते हुए ही भारत सरकार स्किल इंडिया मिशन, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया, अटल इनोवेशन मिशन जैसे कार्यक्रम चला रही है। हमारे देश का युवा बदलती हुई तकनीकों के लिए तैयार हो सके, उस पर पहले से काम किया जा रहा है। साथियों, 10 साल बाद ये दुनिया कहाँ होगी, इस हॉल में बैठा हुआ कोई व्यक्ति नहीं बता सकता। ये भी कोई नहीं बता सकता कि पांचवी औद्योगिक क्रांति अब कितनी दूर है। ठीक है, पहले की तीन औद्योगिक क्रांति लगभग 100 साल के अंतराल पर आई है, लेकिन हम ये भी तो देख रहे हैं कि चौथी क्रांति ने 30-40 साल पहले ही दस्तक दे दी है। पिछले 1-2 दशक को ही देखें तो अनगिनत चीजों का आविष्कार हुआ और वो लुप्त भी हो गई। टेक्नोलॉजी ने समय को जैसे स्क्वीज कर दिया है, इंडस्ट्री 4.0 से 5.0 का बदलाव अब 100 साल इंतजार नहीं करेगा। इसलिए भारत इंडस्ट्री 4.0 को लेकर बहुत गंभीर है। यही समय है अपने पूरे सामर्थ्य के साथ जुट जाने का। मैं भी ये भी चाहता हूं कि हम आने वाले कुछ महीनों में ही भारत में एक इंडस्ट्रीज 4.0 पार्क की भी स्थापित करें। मैं आप सभी का, देश के उद्योग जगत का, सभी राज्य सरकारों का, सिविल सोसाइटी का, एंटरप्रेन्योर्स का आह्वान करता हूं कि इस क्रांति के साथ आए, साथ जुटें और इसके मिलकर के हम सब मिलकर के धरातल पर उतारें। साथियों, हमारी सरकार की सोच खुली हुई है, हमारे विचार खुले हुए हैं। जो भी फ्रेमवर्क बनाना हो, जो भी प्रोटोकॉल तय करना हो, जो भी पॉलिसी बनानी हो, नए भारत के हित में, भारतीयों के हित में जो कुछ भी करना हो, हम करने के लिए हमेशा तैयार हैं। आपके हर सुझाव, आपके हर अनुभव का हम हमेशा स्वागत करते हैं। सरकार हर समय तैयार है, तत्पर है। हम ये ठान कर बैठे हैं कि अब इस बार भारत को झुकने नहीं देंगे। मैं एक बार फिर आप सभी को सेंटर ऑफ द फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मैं मेरी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।